उत्तर में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और दक्षिण में वायनाड तक बारिश और लैंडस्लाइड से जबरदस्त तबाही है। पश्चिम में गुजरात के नौसारी और वलसाड में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो पूरब में कोलकाता एयरपोर्ट पानी पानी है, तर बितर है। देखिए जरा ये तमाम तस्वीरें, इस वक्त आपको 9 तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। केदारनाथ, कुल्लू, वायनाड, नौसारी, वाराणसी, वलसाड, स्पीति, कांगड़ा, रामपुर, हर जगह एक ही कहानी है, पानी पानी, सब जगह त्रासदी, कुदरती आफत और लोग परेशान, कई जिंदगियां भी काल के गाल में समाई हैं। देखिए हिमाचल के पहाड़ों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य का बड़ा इलाका तबाह है। कुल्लू में बादल फटने के बाद ब्यास नदी में आए उफान में चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बड़ा नुकसान पहुंचा है और हाईवे 3 जगहों पर बंद है इस वक्त। स्पीति में बादल फटा, कांगड़ा में भारी बारिश हुई और परिणाम क्या है ये आप देख सकते हैं आगे, हर जगह रास्ते भी बंद पड़े हैं, लोग काफी परेशान हैं। हिमाचल में बादल फटने के बाद ये है बर्बादी का मंजर। ये ड्रोन तस्वीरें कुल्लू मनाली हाईवे की है। बादल फटने के बाद ब्यास नदी में पत्थरों के साथ आए तेज रफ्तार पानी ने हाईवे को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। कहीं कहीं तो हाईवे की सड़क बिल्कुल संकरी सी बची है, जहां से गुजरना पैदल चलने वालों के लिए खौफनाक है। यहां देखिए हाईवे के इस हिस्से में तो सड़क नाम मात्र की बची है। ब्यास नदी में अब भी पानी तेजी से बह रहा है। देख सकते हैं कि डिवास्टेशन वेदर का इतना ज्यादा है कि ये कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे है, जो तस्वीरों में देख सकते हैं ये बुरी तरह टूट चुका है। ये नेशनल हाईवे 3 है, ये 4 लेन रोड थी और इसके साथ ब्यास रिवर ने इतना डैमेज किया है कि ये हाईवे पूरी तरह टूट चुका है और कुल्लू और मनाली की जो मेन कनेक्टिविटी थी वो कटी है और लोगों को डाइवर्शनल रूट लेकर जाना पड़ रहा है अपने जॉब्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 3 जगहों पर लैंडस्लाइड से जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये तीनों जगहें मंडी और पंडोह के बीच हैं। इन हिस्सों में सड़क बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी। आज तक की टीम हालात का जायजा लेने के लिए चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर सफर कर रही थी। रास्ते में जगह जगह ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ देखिए ब्यास नदी में आए पानी और पत्थरों की वजह से पुल बैठ गया, इसके साथ ही पुल के साथ लगी सड़क भी बह गई। हिमाचल के रामपुर में भी बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ के समेज गांव में मदद पहुंचाने के लिए सेना के जवान अस्थायी पुल बना रहे हैं। फ्लैश फ्लड के बाद यहाँ नाले में उफनती लहरों को देखिए। ड्रोन तस्वीरों में पूरे इलाके में फैले पत्थर भी दिख रहे हैं। समेज गांव के आसपास के इलाके में चारों तरफ तबाही और बर्बादी पसरी हुई दिख रही है। हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी रामपुर, मंडी और कुल्लू में रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था कि कल स्पीति में भी बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया। हिमाचल के कांगड़ा से भी भारी बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। कुल्लू से असीम बस्सी के साथ मंजीत सहगल, रामपुर आज तक। मनाली के पास पांचाल में ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से पुल धस गया और यही नहीं पुल को जोड़ने वाली सड़क भी बह गई। हमारे संवाददाता असीम बस्ती की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
कुल्लू मनाली हाईवे पे तबाही का मंजर जारी है। जिस तरह क्लाउड बर्स्ट हिमाचल प्रदेश में हुए, उसने जगह जगह पर नुकसान किया है और हाईवे को बुरी तरह से तोड़ दिया है। हम पलचान में हैं, जो कुल्लू मनाली हाईवे के ऊपर जगह आती है, और सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, ये एक पुल है जो इस रिवर के ऊपर से जाता है, और देख सकते हैं पुल किस तरह डैमेज हुआ। जब पीछे क्लाउड बर्स्ट हुआ, इस ब्यास रिवर में बहुत ज्यादा पानी आया, जिसकी वजह से पुल पूरा ही नीचे बैठ गया। और यही नहीं, पुल से आगे जो रोड है, आप देख सकते हैं वो रोड है जो कनेक्ट करती थी, वो रोड पूरी की पूरी निकल गई है। और यहाँ रात कार्य चल रहा है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो लगे हुए हैं जेसीबी मशीन की से, लेकिन इस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इम्पैक्ट था, पुल को क्षति पहुंचाई, पुल पूरा बैठ गया है, और पुल जिस रोड से कनेक्ट करता था उस रोड को पूरा ही वाइप आउट करके ले गया ये दरिया। इतना ज्यादा इम्पैक्ट था क्लाउड बर्स्ट का कि इतना ज्यादा पानी आया, फ्लडिंग इतनी ज्यादा हुई कि पूरा का पूरा पुल बैठ गया, और इसके अलावा जो रोड आगे कनेक्ट करती है वो ही डिसकनेक्शन हो गया, पूरा जो कनेक्शन था वो डैमेज हो गया। और ये मंजर जो है जगह जगह पे है, हमने पहले भी आपको दिखाया, किस तरह रायसेन में था, शिशिर में था, अब यहाँ पे भी पलचान में भी किस तरह ये डैमेजिंग तस्वीरें आपके सामने हैं। ह्यूमन लॉस भी हुआ है जगह जगह क्लाउड बर्स्ट होने से, हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कैमरा में, किस तरह ये पूरे का पूरा पुल बैठ गया है, और पूरी सड़क जो है, जो एक मोटरेबल रोड थी, वाइप आउट हो गई है। सो कुल्लू मनाली हाईवे के ऊपर आज तक ट्रैवल कर रहा है, और जगह जगह पर किस तरह हाईवे टूटे हैं ये आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह ये बर्बादी हुई है ये आपके सामने है। पलचान से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी आज तक। अब कुल्लू से ही आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे संवाददाता मजीद सहगल की रिपोर्ट। शिमला के साथ लगते कुल्लू जिला में भी बादल फटने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बागी पुल नामक जगह पर, जो निर्मंड सब डिवीजन के तहत आता है। ये देखिए, इसे बागी पुल इसलिए कहा जाता था क्योंकि कुरपण नदी के ऊपर यहाँ पर एक पुल बना हुआ था, और वीरवार की रात को जब बादल फटा तो पानी इस कदर आया कि इस पूरे के पूरे सीमेंट के पुल को अपने साथ बहा कर ले गया। अब इस बागी पुल नामक जगह के 9 घर 8 दुकानें, 2 सरकारी भवन, फिश फार्म और कृषि योग्य भूमि पूरी तरह से तबाह हो गई है। घरों का नाम निशान भी बाकी नहीं है। ये देखिए घर की क्या हालत हो गई है, पानी अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानें बहाकर लाया। और इस घटना में कुल 7 लोग अभी तक लापता हैं, 7 में से 5 लोग एक ही परिवार के थे, और जबकि 2 नेपाल के मजदूर भी इसमें शामिल हैं। अभी तक 5 परिवार के लोगों में से परिवार के मुखिया एक व्यक्ति की का जो शव है वो बरामद किया गया है, बाकी के लोग अभी भी लापता है। अब देखिए कुरपण एक छोटी सी खड है जिसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, इसने एक बड़ी नदी का रूप ले लिया है। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि आसपास नदी के तट पर जो कुछ भी निर्माण था वो तबाह हो गया, जो घर बचे हैं वो भी अब रहने के काबिल नहीं है। अब मैं गुंजीत कुमार को कहूंगा कि इस तरफ दिखाएं, देखिए ये घर अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है क्योंकि नदी ने इसके नीचे लगने वाली जो नींव है उसको भी खोद डाला है। और जहां तक भी हमारी नजर जा रही है इस वक्त राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति मलबे के नीचे दबा हुआ है तो उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन वो उतना आसान नहीं क्योंकि पानी का बहाव जितना ज्यादा था, जितना तेज था, वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया है। और यही कारण है कि बचाव और राहत कार्यों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। पहाड़ों में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, और हम आवाजें सुन रहे हैं किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानों को बहाकर ये बाढ़ का पानी अभी भी अपने साथ लेकर जा रहा है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, बागीपुल निर्मंड, आज तक।